खरगोन में आज गायत्री परिवार द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय सुरेश जी पाटिल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि पाटिल की पिछले दिनों एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए गायत्री परिवार ने सुरेश पाटिल की स्मृति में अनूठी पहल करते हुए 108 लोगों का रक्तदान करने का संकल्प लिया था। रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर गायत्री परिवार से जुड़े परिजनों का कहना है कि स्वर्गीय सुरेश पाटिल के एक्सीडेंट के दौरान ब्लड बैंक में रक्त की कमी देखी गई थी। रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य है कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी न हो और दुखी परिजनों को हर समय ब्लड बैंक से ब्लड मिल सके। इधर स्वर्गीय पाटिल के पुत्र का कहना है कि सबसे बड़ा दान रक्तदान को माना गया है, रक्तदान महादान कहा जाता है। पापा की स्मृति में आज रक्तदान शिविर लगाकर पापा के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया? रक्तदान ये महादान है। पापा की जैसे सोच थी कि दान करने से पुण्य मिलता है, वही हमने किया। रक्तदान से पापा का जो इच्छा था वही हमने पूरा किया। कितने लोग का आज रक्तदान करेंगे? ये 108 का लक्ष्य है हमारा, जो कि 2 बजे तक पूरा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? नीलेश पाटिल। ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, इसके पीछे क्या सोच है, क्या होते हैं? सर, आज हमने गायत्री शक्तिपीठ खरगोन पर गायत्री परिवार की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, क्योंकि हमारे परिजन जैसे कि स्वर्गीय सुरेश जी पाटिल का निधन हो गया था एक्सीडेंट में, तो उनके भी टाइम पे रक्त की कमी थी ब्लड बैंक में, तो हमने उनके विचारों से ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया ताकि ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा हो सके और दुखी परिजनों को, गरीब परिजनों को रक्त की आपूर्ति हो सके। तो इसी उद्देश्य से हमने आज गायत्री मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हमने 108 यूनिट का लक्ष्य रखा है और 2 बजे तक हम ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।